फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मौके की बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसान की फसलों का नुकसान हुआ, ये सरकार उनकी मुआवजा नहीं देगी। हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि उस संघर्ष को देख करके लोगों को सुविधाएं हो। लेकिन जब आप सरकार हमारी बढ़ाओगे तो फिर आपके सारे पैसा आपको घर भी पाने का काम करेगा। बेरोजगार लोगों को 21,000 रुपये मवाद बेरोजगारी भत्ता दे, महिलाओं को अलग से पेंशन देने का काम करें, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करें। हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए इन्हें मुफ्त में पाने का काम, हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, उनकी पढ़ाई पर कोई पैसा खर्च नहीं हो, और पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा उसका मुफ्त में इलाज कराए, देख करके बच्चा जब योग्य हो जाएगा तो उसकी योग्यता के मुताबिक उसे अच्छे पद पर बिठाए। उस योग्य बच्चे के मां बाप ने किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं हमें दिया। 3,206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा मिली। आपके बाप से वायदा कर रहा हूं जब लाखों बच्चों को नौकरी देंगे तो बाद में मुझे फांसी की उतर पड़ा। इसलिए आपको केवल एक ही काम करना है, मौका मिलते ही हमें कंफर्टेबल करवाना है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम भारत और इसका भविष्य उज्ज्वल बने, इस देश के निर्माताओं को सारी सुविधाएं मिलेंगी, हमारी सोच सीधी जाति भाषा में एक ही बात कह रहा हूं, राज बना लो फिर थारे सारे घोट में काट दो, बस यही बात करने आपके बीच आया था। जितनी तकलीफ इस प्रशासन से आपको है उससे ज्यादा तकलीफ मुझे। मैंने यमुनानगर को मेहनत करके समूचे विश्व के संदर्भ पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन बनाने में अहम भूमिका। हम आपको फिर उसी पोजिशन में ला सके इसके लिए धोड़ी फैला करके आपसे भीख मांगा। मुझे एक ही विश्वास और भरोसा है कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगे, सब करेंगे जी, सब करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा हम सबको आपसे प्रेम प्यार की बनाने की शक्ति को दे।